वेलकम टू आमिक रेजर का, मेरा नाम है अमृता। तो दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रात को अगर सोते समय आप लहसुन का सेवन करते हैं लगातार 3 दिनों तक, तो आपको इससे होने वाले चमत्कारी फायदे हैरान कर देंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन का छिलका उतार लेते हैं। आपको एक कली लहसुन का सेवन रोज करना चाहिए और फिर उसके ऊपर से गर्म पानी आपको पीना चाहिए। आप लहसुन को बारीक बारीक काट के इसका सेवन कर लें। इसको कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सारी ही डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कुछ लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है। अगर बड़े साइज़ की लहसुन की कली है तो आप एक ले, अगर छोटे साइज़ की है तो आप दो लीजिए। यूँ तो लहसुन का इस्तेमाल खाने में तड़का लगाने या ग्रेवी बनाने के लिए करते हैं। लहसुन किसी भी बेजान सब्जी के स्वाद को जानदार बना देता है, लेकिन लहसुन में ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं जो आपको कई बीमारियों से दूर रखते हैं। लहसुन को वंडर फूड कहा जाता है दोस्तों। आयुर्वेद में लहसुन को औषधीय माना गया है। हालांकि आपको किसी न किसी रूप में लहसुन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे चबा चबा कर खाते हैं ना दोस्तों, तो आपको उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है उन्हें तो लहसुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लहसुन खाने से खून का जमाव नहीं होता है और हार्ट अटैक होने का खतरा कम होता है। लहसुन खाने से हाई बीपी में आराम मिलता है। दरअसल लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। जो लोग हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें रोज़ाना एक लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। जो लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें भी लहसुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कैंसर को होने से रोकता है लहसुन का सेवन। तो यहाँ पे मैंने लहसुन के बारीक बारीक से टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लहसुन को चबाना अच्छा नहीं लगता है। तो जिन लोगों को पूरा लहसुन नहीं खाना है वो लोग बारीक बारीक टुकड़े कर ले लहसुन के और पानी के साथ में निगल ले। आप चाहें तो बारीक टुकड़े करके एक गिलास गर्म पानी के साथ में निगल सकते हैं या फिर चबा चबा कर भी खा सकते हैं और फिर ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। सर्दी खांसी होने से हमें बचाता है लहसुन, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। पेट से जुड़ी बीमारियों जैसे डायरिया और कब्ज की रोकथाम में लहसुन बेहद ही उपयोगी साबित होता है। दोस्तों लहसुन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की भी ताकत है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लहसुन टेंशन को भगाने में मददगार है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट के अंदर ऐसे एसिड्स बनते हैं जिससे हमें घबराहट होने लगती है। लहसुन ऐसे एसिड्स को बनने से रोकता है। लहसुन खाने से सिर दर्द और हाइपरटेंशन में काफ़ी आराम मिलता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और कई ऐसे इलाज हैं जिसमें प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है लहसुन। आप लहसुन को बारीक काटें और फिर खाएं, और लहसुन निगलने के बाद आप गर्म पानी पी लें। लहसुन खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और जो भी चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ हज़म हो जाती है और इसी वजह से हमारे शरीर में फैट जमने नहीं पाता है। इसीलिए वेट लॉस के लिए बहुत ही कारगर है दोस्तों। और दोस्तों जिनकी तासीर गर्म है परंतु फिर भी उन्हें लहसुन का सेवन करना है क्योंकि उन्हें बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है या कोई और तकलीफ़ है, परंतु उनकी तासीर गर्म है, वो लहसुन का ऐसे सेवन नहीं कर सकते, तो उन्हें लहसुन का सेवन कैसे करना चाहिए? तो ऐसे में जिनकी तासीर गर्म है उन्हें शहद के साथ में लहसुन का सेवन करना चाहिए। एक चम्मच शहद में आप बारीक बारीक एक लहसुन की कली को बारीक बारीक टुकड़ों में काट करके आप इसके ऊपर डाल लें, बस शहद के साथ इसे खा लें। इससे जो है लहसुन की गर्माहट कम होगी। यदि आपको वज़न कम करना है तो भी लहसुन और शहद का सेवन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक लहसुन की कली को एक छोटे चम्मच शहद में मिला करके उसे खा लें और ऊपर से गर्म पानी पी लें। इससे वज़न बहुत ही तेज़ी से कम होता है। ये एक चमत्कारी नुस्खा है दोस्तों। वज़न अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है।
लहसुन की केवल एक कली आपको खानी है दोस्तों, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। लहसुन का अगर आप रोज़ाना सेवन करते हैं दोस्तों, तो आप मान लीजिए जितनी भी आपके शरीर में जमी हुई चर्बी है वो बर्फ़ की तरह पिघलने लगेगी। लहसुन इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता आता है और ये हमारे किचन में हर समय अवेलेबल रहता ही रहता है। वैसे तो इंडियन रेसिपीज़ में बहुत सारे मसालों में हम लहसुन का इस्तेमाल करते ही हैं दोस्तों, परंतु अगर आप इसको इस तरीके से खाते हैं तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कई लोग जो है उन्हें कच्चा लहसुन जो हजम नहीं होता है, या फिर कच्चे लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, या फिर उन्हें लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती, वे लोग लहसुन को तवे पर भून के खा सकते हैं। तो भुने लहसुन का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैंने यहाँ पे तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। भुने लहसुन को अगर आप खाते हैं तो डाइजेशन भी अच्छा होता है और आपको इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। कुछ लहसुन की कलियों को मैं यहाँ पे भून रही हूँ और लो फ्लेम पर ही इसे मैं भून रही हूँ। खूब अच्छे तरीके से मैं लहसुन को यहाँ पे भून रही हूँ ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो पूरा निकल जाएगा और भुने हुए लहसुन का हमें भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी लहसुन का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। कैंसर में लहसुन का नियमित सेवन जारी रखने से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती है, और तो और कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो उसकी जो बढ़त होती है वो 139% से कम हो जाती है। दोस्तों, और भी कई सारी बीमारियां जैसे सूखी खांसी, रक्त दोष, बहरापन, कुष्ठ रोग, गठिया, बवासीर और पित्ताशय के विकार आदि रोगों के लिए भी लहसुन बहुत ही लाभदायक है। तो लहसुन को मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है। आपको केवल एक कली लहसुन की खानी है। एक लहसुन की कली है ना दोस्तों, आपको 100 बीमारी से बचा सकता है। बस एक कली लहसुन की आपको रोज़ खानी है। अगर आप चाहें तो इसे एक साथ भून करके रख सकते हैं और रोज़ एक लहसुन की कली को खा लें। आप सुबह सुबह खाली पेट भी लहसुन का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप सोने के समय भी लहसुन का रात में सेवन कर सकते हैं। आप एक लहसुन की कली को बढ़िया अच्छे से चबा चबा कर खाइए और फिर ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर में जितनी भी जमी हुई चर्बी है तेज़ी से पिघलने लगेगी, और तो और दोस्तों, आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लहसुन का सेवन बचाता है। दोस्तों, जब कभी भी आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको गरम गरम पानी ही पीना है। इससे शरीर में जमी हुई चर्बी दुगनी तेज़ी से कम होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, लहसुन एक सुपर फूड है, इसके अपने ही अद्भुत फ़ायदे हैं। तो आज से ही लहसुन को लेना शुरू कर दें। बहुत सारे तरीके बताया आपको मैंने इसके सेवन करने के, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप सेवन करना शुरू कर दें। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।